अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक रिसर्च पेपर की मेथडोलॉजी को डिस्कस करूंगा। बाकी वीडियोस में उसके डिफरेंट पोर्शंस डिस्कस होंगे, लेकिन ये वाली वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली मेथडोलॉजी के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद वर्क फैमिली बैलेंस अमंग एकेडमिक फैकल्टी मीडिएटिंग रोल ऑफ साइकोलॉजिकल कैपिटल वर्क टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एनरिचमेंट। ये एक रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है। इसमें बिल्कुल वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन, आमतौर पे एपीए स्टाइल में इंट्रोडक्शन की आजकल हेडिंग नहीं दी जाती, लेकिन ये कंफर्म है कि जो फर्स्ट पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन ही होता है उसका। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद इसमें आप देख सकते हैं लेंथी इंट्रोडक्शन है, फिर कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है, वो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो ये बता रही है कि किस इंडस्ट्री में, यानी ये वाली रिसर्च मैंने एकेडीमिया में की है, तो उसकी बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसलिए यहाँ पे ऐड किया था कि आपकी जो रिसर्च का प्रॉब्लम है बेसिकली बैकग्राउंड वो क्लियर हो जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि थियरी एंड लिटरेचर का पोर्शन है, जिसमें वेरिएबल्स को डिफाइन भी किया हुआ है, एलेबरेट भी किया हुआ है, साथ साथ फिर वो जो थियरी जिसके ऊपर बेस करी है रिसर्च, जिस जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल जो एक इस्टेब्लिश थेरी है, ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थेरी, वो उस उन दोनों को यूज़ करते हुए बेसिकली इसके ऊपर अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बिल्ड किया हुआ है। तो उसके बाद ये जो है हाइपोथेसिस साथ साथ जनरेट हो रही हैं, क्योंकि इसमें लिटरेचर रिव्यू और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है उसके राइटअप को इकट्ठा ही किया गया है। अब देख रहे हैं साथ साथ हाइपोथेसिस जनरेट हो रही हैं, और हाइपोथेसिस से पहले उन जो प्रपोज रिलेशनशिप हैं उनका जो प्रीवियस लिटरेचर के अंदर जो रिलेशनशिप आईवी और डीवी का जो शो हुआ हुआ है, जो ठीक है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस स्टडीज इंडिकेट दैट जॉब डिमांड्स आर मोर सेलियंट प्रेडिक्टर्स ऑफ वर्क टू फैमिली कॉन्फ्लिक्ट व्हाइल जॉब रिसोर्सेज आर सेलियंट प्रेडिक्टर्स ऑफ वर्क टू फैमिली एनरिचमेंट अ फिनोमेना नोन एज डिफरेंशियल सेलियंस अप्रोच। ये चूंकि इन स्टडी से ली है उसकी बेसिस पे हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया, फिर जैसे ये पर्सनालिटी रिसोर्स और साइकोलॉजिकल कैपिटल इसको ऐड किया है, इसमें ये कंट्रीब्यूशन है बेसिकली इस रिसर्च की, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिकल कैपिटल होता क्या है, उसके बारे में प्रीवियस रिसर्च, उसके यूजेस क्या हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन है इस लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। उसके बाद ये देखें जब भी हाइपोथेसिस जनरेट करना है तो उससे थोड़ी पहले जो लिटरेचर है वो ये डिस्कस होगा कि किस तरह ये आई वी डी वी जो है आपस में रिलेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये देखें, अ स्टडी कंडक्टेड इन चाइना फाउंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर रिवॉर्डेड एंड ओवर कमिटमेंट डिमिनिश द साइकोलॉजिकल कैपिटल फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर। अभी अंडर रिवॉर्ड और ओवर कमिटमेंट को हम डिमांड की कैटेगरी में ले आती हैं, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस जनरेट किया कि जॉब डिमांड हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद साइकोलॉजिकल कैपिटल। तो इस तरीके से हम अपने लिटरेचर रिव्यू और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं। तो ये भी हो सकता है जैसे गाइडलाइन स्टूडेंट्स को दी गई है कि आप अपना लिटरेचर रिव्यू अलग कर लें, पहले एक एक वेरिएबल को अलग डिफाइन कर लें, और उसके बाद अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के पोर्शन में जो आपके हाइपोथेसिस जनरेट होने हैं जिसमें आई वी डी वी के रिलेशनशिप्स हैं उनको वहाँ पर एलैबोरेट कर लें। अच्छा, अब हम मेथडोलॉजी के सेक्शन में आते हैं। बेसिकली इसकी हेडिंग मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी, मेथड, वो सब हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर हमने बताना ये होता है कि हम इस रिसर्च को कैसे कैरी आउट करेंगे। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि हमने एग्जैक्टली वही बातें लिखनी होती हैं जो आप किसी रिसर्च पेपर में देख रहे होते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने जो थ्योरेटिकली मेथडोलॉजी को अपने रिसर्च मेथड के कोर्स में भी पढ़ा हुआ है, हम उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करें। नंबर वन, इसके अंदर ज़रूरी ये है ये बताना कि आपका जो डाटा है वो किस किस्म का डाटा है, ठीक है, क्या वो प्राइमरी डाटा है कि सेकेंडरी डाटा है। अगर आप फर्स्ट हैंड उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डाटा है। दूसरा, आपने ये बताना है क्वांटिटेटिव डाटा है कि क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है। समटाइम्स एग्जैक्टली अगर आप वो नहीं भी लिखते तो वो बड़ी इम्प्लिसिट होती है वो बात कि अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एक क्वांटिटेटिव डाटा है। या दूसरा, क्या वो क्रॉस सेक्शनल डाटा है कि लॉन्गिट्यूडनल डाटा है, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर मैंशन करती हैं। तीसरा, आपने यहाँ पे ये बताना होता है कि आपका डाटा जो है वो कलेक्ट किससे हुआ है, मतलब आपके पार्टिसिपेंट्स कौन थे। उन पार्टिसिपेंट्स को ऑब्वियसली हमने पहले डिस्कस कर लिया होता है
कि हमने किस सेक्टर में रिसर्च करनी है, तो वो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, लेकिन उन पार्टिसिपेंट्स को आपने किस तरीके से अप्रोच किया। यहाँ पे आप सैम्पलिंग के बारे में भी अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। जनरली ये होता है कि अगर आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसका वहाँ मेंशन नहीं करते, लेकिन वो चीज़ बड़ी इम्प्लिसिट हो जाती है कि आप जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। हाँ, अगर आप और तरह की कोई सैम्पलिंग जैसे रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं या क्लस्टर सैम्पलिंग कर रहे हैं या कोई और स्ट्रेटास बना रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आप इसके अंदर ये चीज़ मैंशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर एग्जैक्टली आपने डाटा कलेक्ट कैसे किया वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अच्छा, अब आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिमिलर मेथडोलॉजी हैज़ बीन एक्सटेंसिवली अडॉप्टेड इन रीसेंट वर्क फैमिली स्टडीज। तो थोड़ा सा ये चीज़ लिखने का मकसद यहाँ पे ये था कि हम जो भी अपने मेथडोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सर्वे बेस्ड जो रिसर्च है जिसमें डाटा कलेक्शन प्राइमरी डाटा कलेक्शन हो रहा है, वो हम यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं कि ये और भी मिलती जुलती इस तरह की स्टडीज़ में ये चीज़ इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अब ये चूँकि ऑनलाइन डाटा कलेक्शन थी, ठीक है, तो उसका वहाँ पे मेंशन किया, फिर किस तरीके से उनका ईमेल एड्रेसेस इकट्ठे किए वो चीज़ मेंशन की। अच्छा, फिर ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के फ़ायदे यहाँ पे मेंशन हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने अपनी जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉइंट इसके अंदर मेंशन करने चाहिए जो हमारी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी को इंक्रीज़ करें। साथ साथ लिमिटेशंस भी लिख दी, फिर डाटा कलेक्ट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हुआ, कितने रिस्पॉन्डेंट्स आए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट पोर्शन है ये डेमोग्राफिक एनालिसिस है, जो ऑब्वियसली अगर कोई प्रपोजल बना रहा है उसके अंदर नहीं होगा मेंशन, लेकिन अगर कोई फाइनल प्रोजेक्ट बना रहा है यानी फाइनल रिसर्च पेपर लिख रहा है तो फिर उसके अंदर ये चीज़ भी एनालाइज होगी। और ये सारे के सारे वो डेमोग्राफिक्स हैं जो हमने अपने क्वेश्चन ईयर में पूछे होंगे अपने सर्वे के जरिए। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी मेथडोलॉजी सेक्शन का, अच्छा आप ये भी बताता चलूँ कि ये जो हम यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर एंड पार्टिसिपेंट्स को लैदा भी कर सकते हैं अगर हम और डिटेल लिखना चाहते हैं। और मुख्तलिफ हम जब स्टडीज़ को देखते हैं, कम अज़ कम 4 से 5 स्टडीज़ अगर हम देखते हैं, तो उनके जो डिफरेंट जो मेथडोलॉजी सेक्शन है उससे हमें चीज़ और ज़्यादा क्लियर होती है कि क्या क्या चीज़ें इसकी तरह मैंशन कर देती हैं। अच्छा, जो मेयर्स का सेक्शन है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि हमारे जो स्टडी के वेरिएबल्स हैं उनको हमने कैसे मेयर किया, यानी कौन से टूल्स एंड कौन से टेक्निक्स को यूज़ किया। ऑब्वियसली अगर आप कोई स्केल्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग लिटरेचर से बोरो करें, जैसे यहाँ पे देखें वी अडॉप्टेड रेलिवेंट स्केल्स फॉर स्टडी वेरिएबल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ठीक है, तो हम वो चीज़ मेंशन करते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमने किस किस्म के स्केल के ऊपर उसको रिस्पॉन्स को मेयर किया, क्या वो लिकर्ट स्केल था या वो फ्रीक्वेंसी स्केल था, हायर स्कोर रिफ्लेक्टेड अ हायर लेवल ऑफ द रिलेटेड कंस्ट्रक्ट। अब आप ये देखें कि स्टडी में जैसे आपको ये फिगर नज़र आ रही है फ्रेमवर्क की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब ये 6 वेरिएबल्स का डाटा हमने 6 डिफरेंट क्वेश्चनियर्स जो है अडॉप्ट किए, ठीक है, और देखें यहाँ पे बिल्कुल रेफरेंस दिया हुआ है कि वी ऑपरेशनलाइज जॉब डिमांड यूजिंग स्केल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इमोशनल एंड कॉग्निटिव जॉब डिमांड scale were adopted from English version of the questionnaire on the experience evaluation of the work and this is the reference of 1994. उसके बाद देखें एक sample item भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और साथ ये भी लिख दिया कि responses जो हैं वो किस तरह हमने मेयर किए कि 1 is never, 2 is sometimes, 3 is occasionally, 4 is often and 5 is always, which indicates a frequency scale. Similarly ये देखें psychological capital was one of our variables. So we measured psychological capital using PCQ-12 questionnaire. The reference is given. In PCQ-12, 2 items represent optimism, 4 self-efficacy, 3 represented hope, and 3 items represented resilience. Then there is a sample item. And then finally, here what is written? Responses range from 1 is equal to strongly disagree, 2 is disagree, 3 is neutral, 4 is agree, and 5 is strongly agree. And the source from where I have got this particular स्केल, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथडोलॉजी में ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो आपने डाटा कलेक्ट कैसे किया, आपके पार्टिसिपेंट्स कौन थे, और दूसरा ये कि कौन से आपने टूल्स एंड टेक्निक्स चूज़ किए जिन उनकी रेफरेंस यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया। अच्छा, तो यहाँ तक ये मेथडोलॉजी है। और फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस में हम पहले ये बताते हैं कि डाटा हमने एनालाइज करना कैसे है और फिर हम उसके
रिजल्ट्स वहाँ पे लिख। तो थैंक यू।